कांग्रेस का कैंडिडेट दफ्तर से बाहर नहीं निकला। सब लोगों ने एक एक टारगेट नरेंद्र भाई मोदी को बना दिया कि इस आदमी को घेरो, और सब लोग अरविंद केजरीवाल की मदद में। आप देखिए कांग्रेस, मुलायम सिंह जी वहां मुख्यमंत्री। कहने का मतलब यह, जिस तरीके से मोदी को गाली पड़ती थी, जिस तरीके से मोदी को घेरने का काम हुआ, उसी तरीके से टारगेट किया गया, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। रामविलास शर्मा जी को टारगेट किया जा रहा है, वो हरियाणा के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे या बनेंगे। देखिए अमित जी, राजीव जी, आप एक बात देखिए, घटनाओं को देखिए। मैंने बड़े नजदीक से देखा कि मुलायम सिंह जी की सरकार है, पर ये उम्मीदवार कहीं निकल नहीं रहा। फिर अंतरंग लोगों से वहां हरिशंकर व्यास, बड़े वरिष्ठ पत्रकार, सबसे पूछा, कह लेंगे ये सब लोग केजरीवाल के आसपास इकट्ठे हो गए हैं। और आज देखिए, जिस ओम प्रकाश चौटाला को मैंने 24 जुलाई 1999 को मुख्यमंत्री बनाया, और जो 30 जुलाई 1999 को महेंद्रगढ़ में आए और उन्होंने कहा भाई मेरे पिता मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना सके, मुझे रामविलास शर्मा ने अपना सर काट के लगाया, मुख्यमंत्री बनाया, जब तक इसकी कृपा रहेगी मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। वही चौटाला आज मुझे गालियां दे रहे हैं, उनके बच्चे गालियां दे रहे हैं। आखिर मेरे से ऐसा कौन सा पाप हुआ भाई? चौधरी बंसीलाल तो गुस्सा करते तो ठीक था, हमने तो, ये तो हरियाणा की सच्चाई है ना। महेंद्रगढ़ की 30 जुलाई 1999 की जो भाषण है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आपके सामने है। आज सब लोग कहते हैं कि रामविलास शर्मा मरे तब हमारे वो, इसके ऊपर भोले शंकर की कृपा है, इसके ऊपर हरियाणा की जनता की इतने वरिष्ठ नेता, इसीलिए तो अमित जी का भी सवाल है, टारगेट क्यों? आपका तजुर्बा क्या बता रहा है? आपकी पार्टी के अंदर लोग को आप सत्ता में ले जाते हैं, जिसे नाराज होना चाहिए वो होता नहीं, जिसे नहीं होना चाहिए वो आप पर टारगेट करता है, गंभीर आरोप लगाता है, ऐसा लगता है कि जो पूरी तपस्या है उसे भंग कर दिया गया हो। क्यों टारगेट पर क्यों? कई बार राजीव जी घटनाएं इस तरह से घटती हैं, और ये जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, इसमें मेरी एक भाषा है, मेरा एक संस्कार है, जिस संघ के प्रचारक के नाते, जिस जनसंघ के संगठन मंत्री के नाते, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते, अनेक भूमिकाओं में, आप मेरा पिछला सारा देखिए, मैं विधानसभा के अंदर भी कभी गाली गलौज की भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता हूं। तो इसलिए कुछ लोगों के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रामविलास की उपस्थिति से चोट होती है, वो छोटे पड़ते हैं, वो लोग ये सारी बातों के ऊपर आरोप लगाते हैं। रामविलास जी, कल को ऐसी स्थिति बनती है कि पूरा, जिसको कहते हैं कि बहुमत नहीं मिलता है किसी को, क्या यही इनेलो और यही बीजेपी फिर हाथ मिलाएंगे? देखिए अमित, राजनीति में कुछ भी संभव है, आप ही लोग बोलते हैं। नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है ये बात नहीं है। इस बार हरियाणा का जो मूड है, हम कोई पहला चुनावत नहीं आएगी, इस बार देश की जनता और हरियाणा की जागरूक जनता जनार्दन ये भुक्त भोगी है कि भाई इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत, लोगों का परफॉर्मेंस वाइज नरेंद्र भाई मोदी को स्पष्ट बहुमत दिया, इसलिए कि ये ऐसा फील आने लगा है, तभी मुझे लग रहा है कि सीएम के दावेदार बहुत बढ़ गए हैं। ऐसा लगने लगा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, इससे पहले तो ऐसा भाव नहीं होता था। इससे पहले तो आप 5-6 लोग ही होते थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन के आगरा जो एक हॉस्पिटल है उसमें गए तो उनके इनमेट्स ताश खेल रहे थे, तो नेहरू जी ने कहा भाई मैं जवाहरलाल नेहरू हूं, प्रधानमंत्री देश का, तुम उठ ही नहीं रहे। बोले हम जब इस अस्पताल में आए तो नेहरू बन के ही आए थे, यहाँ की गोली गाली खा के तू भी ठीक हो जाएगा। तो ये बीजेपी है, ये बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना तपा हुआ है, इतना वरिष्ठ है, यानी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उन्हें कोई गोली दी जाए? नहीं नहीं, मैं गोली की बात, उन्हें गोली खिलाई जाए? नहीं, गोली खिलाने की जरूरत नहीं है। अब तो हवाएं करेंगी फैसला, जिस दीवे में तेल होगा वो दीवा। ये दीवा सीधा मुकाबला किससे मार रही है? लोग मुकाबला नहीं है बीजेपी, किससे मुकाबला है? कांग्रेस से या इस बार शक्ति परमार हरियाणा की राजनीति में एक पाले में बीजेपी अकेली है।
लोग देख रहे हैं। और आप देखना हरियाणा विधानसभा के चुनाव में, ये महाभारत वाला हरियाणा है, ये कुरुक्षेत्र वाला हरियाणा है। जब हरियाणा का आदमी देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेता है तो झाड़ू मार के लेता है। इस बार आप देखना कांग्रेस दो डिजिट में नहीं रहेगी। और बहुत से लोगों का इस बार हरियाणा में, लोग कहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की पार्टी की सरकार बनानी है, इस समय हरियाणा परफॉर्मेंस आता है, बिजली हरियाणा में नहीं, पानी हरियाणा में नहीं, महिला उत्पीड़न हरियाणा में नंबर वन, हरिजन बैकवर्ड गांव छोड़ करके इस 10 साल में चले गए, 300 लोग हरियाणा में फिरौती के चलते हत्या के शिकार हो गए, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं है, यानी गुंडागर्दी का राजनीतिकरण हो गया है। इस बार हरियाणा का आदमी हरियाणा में शांति चाहता है, हरियाणा में सुरक्षा चाहता है, हरियाणा में समृद्धि चाहता है। बेरोजगार नौजवान, 10 नौजवानों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनकी प्रतिभा को, गोल्ड मेडलिस्ट को, रिटर्न परीक्षा में जिन्होंने अव्वल दर्जा लिया, इंटरव्यू में 0 दे दिया, वो जिंदगी से हताश होकर के, कोई अवसर ना दे करके जिंदगी को समाप्त कर। सुषमा जी भी हो सकती हैं, ऐसी भी चर्चा है सीएम? देखिए ये तो केंद्रीय नेतृत्व या सिर्फ चर्चा है या मुझे नहीं लगता। आपका कल परसों एक बयान भी आया था कि ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी, या इस तरीके से बाहर से कोई नहीं आएगा या केंद्र से कोई नहीं आएगा। हमको तो अच्छा लगेगा, सुषमा स्वराज जैसी वरिष्ठ हमारी नेता, वो क्योंकि हरियाणा की है, परंतु केंद्रीय नेतृत्व का ये ना अमित भाई आपका ना मेरा, ये तो सेंट्रल लीडरशिप के अधिकार क्षेत्र का विषय है। लेकिन कल आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया जिस पर चर्चा भी हुई, आपने कहा कि कोई भी बाहरी व्यक्ति बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं होगा। जब आप ये बाहरी व्यक्ति कह रहे थे तब इशारा किसकी तरफ था? क्या जो चर्चाएं हो रही हैं वो आपको भी परेशान कर रही थी? क्या दावेदारियां हो रही हैं? फेसबुक पट गई है, लोग अपने अपने समर्थकों से सीएम इन वेटिंग फलाना, इतना समर्थन उस नेता को ला रहे हैं, कल रामविलास शर्मा जी को ये बयान क्यों देना पड़ा कि कोई बाहरी व्यक्ति मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं? मैंने ये बयान नहीं दिया, मैंने ये कहा कि हरियाणा में जो आज बीजेपी के प्रति हरियाणा की महान जनता जनार्दन ने जो लोकसभा में आशीर्वाद दिया है, ये एज ए पार्टी बीजेपी को आशीर्वाद है, और हरियाणा की जनता बीजेपी के किसी कार्यकर्ता को ये आशीर्वाद, एक रामविलास शर्मा अकेले का नहीं, जो 50 साल से मैं तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, एक एक जिले में देख रहा हूं, ये जो आज बीजेपी इस मुकाम पर पहुंची है, ये उन लाखों कार्यकर्ताओं, स्वर्गीय डॉक्टर मंगलसेन से लेकर के, और ये उन कार्यकर्ताओं की तपस्या के प्रति हरियाणा की जनता ने एक जगह। सर ये दूसरा मौका है जब आप सीएम की दावेदारी, 99 में भी ये एक दौर आया था, ये कहा जा रहा था कि आप भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन चौटाला जी ने ऐसा गेम कर दिया कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने। मैंने ना 99 में मुख्यमंत्री का दावा किया था, ना आज मैंने कोई दावा किया। लेकिन आपकी पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति तो आ गए जिन्होंने ये दावा कई बार किया है, वो मंच से भी कह चुके हैं, अमित शाह जी की मौजूदगी में भी उन्होंने कहा कि मुझे ट्रेजेडी किंग बनाकर रख दिया, और अमित जी ने उनको ये भरोसा दिलाया कि आपके साथ ट्रेजेडी होगी। अमित भाई का भाषण नहीं सुना कि ना ट्रेजेडी होने देंगे ना कॉमेडी होने देंगे। ठीक है, दो आखिरी सवाल, समय चूंकि कम है, रामविलास जी दो तारीख हैं आप बता चुके हैं, एक 20-21 तारीख आपने बताई थी सूची आने की, फिर आपने एक 31 तारीख बताई थी, दोनों ही तारीखें निकल चुकी हैं, पहली सूची आप लोग कब तक ला रहे हैं और ये देरी क्यों हो रही है? ये राजीव देरी इसलिए हो रही है कि एक तो चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं, और आप जानते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा दावा, तो हमारे यहाँ एक मंत्रणा चल रही है, यानी आचार संहिता से पहले कोई सूची नहीं आएगी, आप लोग आचार संहिता का वेट करेंगे, जैसी लागू होगी तब सूची जारी करेंगे। कांग्रेस की लिस्ट का इंतजार हो रहा है, ये भी हो सकता है रणनीति के तहत कि पहले कांग्रेस की आ जाए, देख लें कितना है क्या है। कांग्रेस की लिस्ट हमें मालूम है। अच्छा, वो उसकी भी मालूम लिस्ट का, अब कांग्रेस में तो टिकट लेने वाला आदमी नहीं मिल रहा, पकड़ पकड़ के सुना है कि 7 मंत्री भी आपकी तरफ आना चाहते थे। नहीं, कांग्रेस की लिस्ट का अमित आर्य कोई हमारे को इंतजार नहीं है, परंतु हम इस बार क्योंकि बड़ा एक
वो है हर, हर बात पर हर हम पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी वरिष्ठता, उसकी विनेबिलिटी, एक सोशल इंजीनियरिंग, कई बातें, और अमित भाई शाह हमारे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो मैन ऑफ द मैच लोकसभा में रहे हैं। स्पेस बचा नहीं बचा सकते क्योंकि 90 सीटों पर। तो ये कह रहे हैं कि सीट सूची तो तब घोषित करें जब उम्मीदवार पूरे कर लें। हाँ। हमारे कार्यक्रम में भी पार्टी के कई बड़े नेता ये मान चुके हैं बड़ी ईमानदारी और साफ गोई से कि हमारे पास 90 कैंडिडेट नहीं है। धनखड़ साहब ने इसी कार्यक्रम में कहा है, खट्टर साहब ने भी बहुत ईमानदारी से माना है कि इसमें मुखी साहब ने ये माना है कि हमारे पास 90 नहीं है। क्या अब 90 जुट गए हैं? देखिए राजीव नहीं है ये, राजीव पहले कि ये स्थिति हो सकती है, परंतु लोकसभा चुनाव के बाद जो आप एक लहर देख रहे हैं, जो बाहर से आने वाले लोगों का एक इन्फ्लेक्स देख रहे हैं, आज किसी 90 विधानसभा में किसी सीट पर उम्मीदवारों की कई जगह तो 40-40 उम्मीदवार हैं। चलिए ये बताइए कि जब आपकी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट आने के बाद नाम तो एक का आएगा, उम्मीदवारी तो एक को मिलेगी, 40 की बाकी 39 का क्या करेंगे? वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? नहीं नहीं पहुंचाएंगे। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है ना, बीजेपी का एक कार्यकर्ता, बीजेपी का एक सिस्टम है, और अमित जितना डेमोक्रेटिक तरीके से उम्मीदवारों की सिलेक्शन का काम हमने किया है, हमने लोकसभा के चुनाव में 78,900 जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता थे उनसे उनके हस्ताक्षर लिखित पर्ची हमने, इस बार भी हम मंडल स्तर तक हमारे जो वरिष्ठ हैं प्रोफेसर जगदीश जी मुखी 4 जिलों में गए, माने डॉक्टर अनिल जैन 4 जिलों में गए, हमारे वरिष्ठतम लोग 39 मंत्री भारत सरकार के मंत्री। चलिए ठीक है, मैं प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा जी से ये आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं कि इन 90 विधानसभा सीटों में प्रदेश अध्यक्ष के नाते भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जिन्हें आज ये शक है कि बाहर से बहुत लोग आ गए हैं, हो सकता है वो धन में, बल में, बाकी तमाम सारी चीजों में उनसे आगे हो या विनेबिलिटी भी हो सकता है, लेकिन वो पुराने लोग जो 40 साल से 30 साल से आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, उन्हें क्या आश्वासन देते हैं कि क्या उन्हें ये मौका मिलेगा कि अब जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी हुई है तो वो उसमें भागीदारी निभा सके? देखिए आज जो बीजेपी की स्थिति अच्छी हुई है इसके लिए जो सबसे अहम भूमिका है ये उन पुराने कार्यकर्ताओं की तपस्या को जाता है। वो तपस्या करते रहे बाकी आके? नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तपस्या करते रहेंगे। आने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कार्यकर्ता की तपस्या की अनदेखी नहीं होगी। सर एक आखिरी सवाल मेरा भी है, मैनिफेस्टो का भी इंतजार हो रहा है, बीजेपी का मैनिफेस्टो कब आएगा, तो एक लाइन में जानना चाहता हूं सर, इस मैनिफेस्टो में आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? इस मैनिफेस्टो में 10 साल एक कोई मुद्दा कांग्रेस की सरकार मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, उनकी बेकायदगियां, हरियाणा में बिजली पानी का प्रबंध, बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था, और जो 10 साल में किसानों के साथ जो ठगी बग्गी हुई है उन सारी घटनाओं को सीएलयू जो जितनी हुई है उनकी इंक्वायरी उनकी एक जांच कराएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रोफेसर रामविलास शर्मा पूरी तरह कॉन्फिडेंट है कि इस बार हरियाणा में चमत्कार होने जा रहा है? आप सबके सहयोग से मैं पिछले राजनीतिक तपस्या के कारण से और हरियाणा की जमीन की बंजर भूमि में इस बार सियासी जो बंजर भूमि और रामविलास शर्मा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमने तो राजीव जी मुख्यमंत्री तो पार्टी हाईकमांड तय करेगी, लेकिन दावेदारी सबसे परंतु नहीं कोई दावेदारी बीजेपी में दावेदारी तैयारी सबसे ज्यादा रामविलास शर्मा जी की है? नहीं तैयारी नहीं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा रामविलास शर्मा जी मैं अध्यक्ष और मेरे उसका मैंने राजीव ऐसे बालू रेत में जहां जाटी का पेड़ के नीचे कमल को खिलाया, मैं इसका अवार्ड आपको मिलेगा कि नहीं सर, हम यही तो जानना चाह रहे हैं। अरे बिल्कुल खिलाया, 20 बार ये बात कही है, व्यक्ति के अवार्ड की राजीव बात नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता को हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा में ये जो असुरक्षा है, ये गुंडागर्दी का आलम है जी, ये किसान के साथ ठगी बगी, वरिष्ठता के आधार पर सबसे सीनियर आप है ना, ये कहना चाह रहे हैं तो मुख्यमंत्री आप होंगे कि नहीं होंगे सर? ये तो एक आखिरी ये बीजेपी की हाईकमांड तक
हाई कमान तय करेगी। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी चौधरी के चक्रव्यूह में आने के लिए और तमाम तीखे सवालों का सामना करने के लिए। रामविलास शर्मा जी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि इस बार हरियाणा में कमल जरूर खिलेगा, इस बार हरियाणा में चमत्कार होके रहेगा। चौधरी का चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही।